Hello dear students, how are you all? In previous video we was discuss about pollination and its type, self pollination and cross pollination. In this video we are going to discuss about adaptation in flower for pollination, outbreeding devices, pollen pistil interaction and artificial hybridization. So dear student, let me start our first topic, adaptation in flowers for pollination. So what is the एडप्टेशन इन फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन, क्या होता है एडप्टेशन इन फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन, मतलब कि पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स के अंदर क्या क्या एडप्टेशंस होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली वी विल सी फर्स्ट विंड पॉलिनेशन. विंड पॉलिनेशन के थ्रू जो फ्लावर डेवलप होते हैं उन फ्लावर के अंदर क्या क्या एडप्टेशंस होते हैं वो हम देखते हैं. लेट अस स्टार्ट. पोलन ग्रेन्स, सबसे पहले देखिए पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, लाइट, नॉन स्टिकी और विंग्ड होते हैं. इनके जो पोलन ग्रेन हैं वो भारी नहीं होते हैं, मीन्स लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं और विंग्ड होते हैं. एंड एंथर वेल एक्सपोज्ड, एंथर जो है वो वेल एक्सपोज्ड होता है, मतलब कि ओपन होता है, खुला होता है. स्टिग्मा लार्ज एंड फिदरी. स्टिग्मा कैसा होता है, लार्ज, बड़ा होता है और उसमें जस्ट लाइक फिदर प्रेजेंट होते हैं, फिदरी होता है. एंड फ्लावर वन ओव्यूल अरेंज्ड एज इनफ्लोरोसेंस. वन ओव्यूल इनके अंदर होता है और ये अरेंज होते हैं किस तरीके से, इनफ्लोरोसेंस में, इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं इनफ्लोरोसेंस में. फॉर एग्जाम्पल कॉर्नकॉप, कॉटन और डेट पाम, इसके एग्जाम्पल है विंड पोलिनेशन के, विंड पोलिनेटेड फ्लावर के. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट वाटर पोलिनेशन. वाटर पोलिनेशन के थ्रू जो भी फ्लावर्स बनते हैं उनमें क्या क्या एडप्टेशंस होती है. पोलन ग्रेन्स को देखते हैं. पोलन ग्रेन्स इज प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग. ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग से कवर्ड होते हैं. इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है जिसे म्यूसिलेजिनस लेयर कहते हैं, उससे ये प्रोटेक्टेड होते हैं. एंड इट्स एग्जाम्पल इज ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी एंड जस्ट लाइक एल्गी एंड फ्रेश वाटर प्लांट्स, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, सी ग्रास और जू स्टेरा एक्सेट्रा इज द विंड पोलिनेटेड प्लांट्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट वी सी मेन फीचर्स ऑफ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स. मेन फीचर क्या है विंड और वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स के, वो हम देख लेते हैं क्या मेन फीचर है. प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स इन लार्जर नंबर्स. पोलन ग्रेन्स ये लार्जर नंबर में प्रोड्यूस करते हैं. एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. ये दोनों ही विंड पोलिनेटेड और वाटर पोलिनेटेड जो भी प्लांट्स हैं वो प्लांट नेक्टर को फॉर्म नहीं करते हैं. अब डियर स्टूडेंट, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वॉट इज नेक्टर, नेक्टर क्या होता है. नेक्टर द स्वीट लिक्विड दैट बीज कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी. हनी बनाने के लिए या शहद बनाने के लिए जो मधुमक्खियाँ फ्लावर्स से जो लिक्विड कलेक्ट करती है, स्वीट लिक्विड, उसे हम क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं. सो गॉट इट डियर स्टूडेंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंसेक्ट पोलिनेशन. सो इंसेक्ट पोलिनेशन में क्या क्या एडप्टेशंस होती है इन फ्लावर्स. फ्लावर्स लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर. इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, उनके अंदर खुशबू आती है और रिच इन नेक्टर, और वो नेक्टर से भरपूर होते हैं. एंड पोलन ग्रेन्स उनके स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट वी सी द बेनिफिट टू द पोलिनेटर्स. सर्टन रिवार्ड टू पोलिनेटर्स. पोलिनेटर्स को क्या क्या रिवार्ड्स या क्या क्या बेनिफिट्स फ्लावर्स के अंदर मिल सकते हैं उनके बारे में देखते हैं. नेक्टर एंड एडिबल पोलन ग्रेन्स एज फूड. उनको खाने के लिए नेक्टर जो कि खाने योग्य होता है वो मिल जाता है और पोलन ग्रेन्स भी उनको एज ए फूड वहाँ पर मिल जाते हैं. प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग. उनको एक मतलब एग ले करने के लिए सेफ प्लेस फ्लावर के अंदर मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल एमोर्फोफेलस और युक्का, ये क्या है, ये इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स है या इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट है.
ओके डी स्टूडेंट, नाउ लेट वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इसको एक बार फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम जनरल हमारे नोट्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं स्टिग्मा के ऊपर। ये पार्ट जो है ये स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा वाले पार्ट पर जब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं तो ये पोलन ग्रेन यहाँ पर क्या करते हैं, ये जब कंपेटिबल होते हैं तो कंपेटिबल होकर ये क्या करते हैं, ये एक पोलन ट्यूब को जनरेट करते हैं। मीन्स यहाँ पर ये जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होते हैं मीन्स पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन इनके अंदर होता है। और जब पोलन ट्यूब इनमें जर्मिनेट होती है या पोलन ट्यूब इनमें फॉर्म होती है, तो उस टाइम पर इनके अंदर जो गैमेट प्रेजेंट होते हैं, जो जनरेटिव सेल से बनते हैं, वो गैमेट यहाँ से रिलीज होते हैं, इस पोलन ट्यूब के अंदर रिलीज होते हैं। और रिलीज होकर कहाँ पर जाते हैं, स्टाइल से होते हुए ओवरी में जाते हैं, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब इंटर करती है, और उसके साथ में उसमें जो प्रेजेंट गैमेट जो होते हैं वो गैमेट इसके अंदर ट्रांसफर होते हैं। ये मेल गैमेट, ये मेल गैमेट इसमें ट्रांसफर होते हैं। देन ये पोलन ट्यूब जब एम्ब्रियो सेक के अंदर इंटर करती है, ये एम्ब्रियो सेक है, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर जब ये इंटर करती है तो क्या होता है, इस एम्ब्रियो सेक में 7 सेल्ड प्रेजेंट होती है, 8 न्यूक्लियस वाली। तो 7 सेल कौन सी, दो सिनर्जिट, एक एक्सेल, एक पोलार न्यूक्लियाई, और 3 जो है एंटीपोडल सेल वहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो उसके अंदर ये जब इंटर करती है तो इसके अंदर 2 मेल गैमेट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इनमें से फर्स्ट जो मेल गैमेट है वो डायरेक्टली यहाँ से अंदर इंटर होता है, और इंटर होकर जो एक सेल है, ये एक सेल जो है इस एक सेल से जाकर फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट करके सीड का फॉर्मेशन करता है। देन सेकेंड जो गैमेट है, ये सेकेंड गैमेट यहाँ से डायरेक्टली जाता है कहाँ पर, पोलार न्यूक्लियाई के पास में। पोलार न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट है, और 1 न्यूक्लियस और मेल गैमेट का जाएगा, वहाँ पर 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो इसको हम ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन किसके साथ में होगा, पोलार न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में यहाँ पर फ्यूज़न होगा मेल गैमेट का। तो क्या होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। एंडोस्पर्म हमेशा जो है ट्रिप्लोइड फॉर्म में होगा। ट्रिप्लोइड मीन्स यहाँ पर 3N कंडीशन हमेशा रहेगी, 3N कंडीशन वाला एंडोस्पर्म यहाँ पर फॉर्म होगा। और उस दौरान ये जो 2 एक सेल के साइड में जो सेल प्रेजेंट है, जिन्हें सिनर्जिट्स कहते हैं, ये सिनर्जिट डीजनरेट हो जाएगी। इसके साथ में जो चैलेजल एंड की ओर प्रेजेंट एंटीपोडल सेल है वो भी डीजनरेट हो जाएगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन इसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और कहाँ पर होता है, एक तो फर्स्ट मेल गैमेट का एक सेल के साथ में, और सेकेंड मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलार न्यूक्लियाई के साथ में फर्टिलाइजेशन होता है। और इस फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट से सीड का फॉर्मेशन होता है, और जो ट्रिपल फ्यूज़न या डबल फर्टिलाइजेशन जो है उससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो व्हाट इज द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इन द सेंस ऐसे डिवाइसेस जो कि पोलिनेशन को डिस्करेज करे या पोलिनेशन को रोके, सेल पोलिनेशन को रोके, ऐसे डिवाइसेस क्या कहलाते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहलाते हैं। सो लेट अस डिस्कस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। द वेरियस मैकेनिज्म टेक डिस्करेज सेल पोलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बहुत सारे वेरियस मैकेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन को क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। सेल्फ पोलिनेशन को डिस्करेज करने का मतलब कि यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन में
को इनिबिट करते हैं या रोकते हैं. तो इट इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं इसमें, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड. पोलन तो रिलीज होते हैं एंथर से, पोलन रिलीज होते हैं, बट जो स्टिग्मा जो होते हैं, स्टिग्मा क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को रिसीव करते हैं. तो रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज मतलब कि पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं बट उसको रिसीव स्टिग्मा क्या करता है, रिसीव नहीं करता है, या रिसेप्टिविटी उसमें सिंक्रोनाइज नहीं होती है. ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन डिस्करेज होता है या इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है. नेक्स्ट, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन. जब एंथर और स्टिग्मा जो है वो डिफरेंट पोजिशन पर हो, अलग अलग प्लेसेस पर हो, तो उसमें क्या होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि पोलिनेशन विंड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू होगा, तो पॉसिबल नहीं है कि विंड या इंसेक्ट के थ्रू पोलन ग्रेन वहाँ तक, स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो पाए. या जब ये अलग अलग प्लेसेस पर होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा. नेक्स्ट, इनिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन इन पिस्टिल. अब क्या होता है कि पोलन ग्रेन पिस्टिल पर ट्रांसफ़र भी हो जाता है बट स्टिग्मा पर जाकर वो जर्मिनेट नहीं होता है, या पिस्टिल पर जर्मिनेट नहीं होता है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, डिस्करेज होता है सेल्फ पोलिनेशन. नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. जब एक ही टाइप के, यूनिसेक्सुअल टाइप के फ्लावर्स का प्रोडक्शन होगा, तो मेल और फीमेल जब अलग अलग गैमिट नहीं बनेंगे तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा या डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन होगा. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं, या इनको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं. इनब्रीडिंग डिप्रेशंस मीन्स यहाँ पर पोलिनेशन होने से रुकना या पोलिनेशन को होने नहीं देना, ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है. डियर स्टूडेंट, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. सो व्हाट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन? द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द कंपेटिबल पोलन टू इनिशिएट पोस्ट पोलिनेशन इवेंट दैट लीड टू फर्टिलाइजेशन. इसमें क्या होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, कि जो पिस्टल है, पिस्टल की एबिलिटी कि वो किसी कंपेटिबल पोलन को रिकॉग्नाइज करे, और रिकॉग्नाइज करने के बाद में इनिशिएट करे पोस्ट पोलिनेशन इवेंट से फर्टिलाइजेशन तक के इवेंट को. मीन्स इन इवेंट को होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले कंपेटिबल पोलन जो उसके ऊपर जर्मिनेट हो सके, ऐसे कंपेटिबल पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं. तो जो कंपेटिबल पोलन ग्रेन होगा वही क्या कर पाएगा, उस स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट हो पाएगा और पोलन ट्यूब को फॉर्म कर पाएगा, और पोलन ट्यूब जब फॉर्म होगी तो फर्टिलाइजेशन होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा. तो ये सारे जो इवेंट है, ये इवेंट मीन्स इनिशिएट पोस्ट पोलिनेशन इवेंट, ये पोस्ट पोलिनेशन इवेंट से फर्टिलाइजेशन तक का इवेंट, मीन्स कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना और पोलन ट्यूब से का फॉर्मेशन होने के बाद में कहाँ तक, ओव्यूल तक पहुँचना, और ओव्यूल में जाकर फर्टिलाइजेशन तक का जो इवेंट है उस इवेंट को इनिशिएट करना या स्टार्ट करना, ये डिपेंड करता है पिस्टल के एबिलिटी पे, जो कि रिकॉग्नाइज करता है किसी कंपेटिबल पोलन को, और वो कंपेटिबल पोलन जो है वो जर्मिनेट होता है और फर्टिलाइजेशन तक के इवेंट को करता है. तो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू जर्म पोर्स टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू एम्ब्रियो सेक. अब क्या करते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो एक पोलन ट्यूब को फॉर्म करते हैं उनके जर्म पोर से. उनके ऊपर स्पोरोपोलिनिन की एक लेयर होती है, और उस स्पोरोपोलिनिन की लेयर में जहाँ पर थिकनेस कम होती है वहाँ पर जर्म पोर बनता है. तो उस जर्म पोर से एक पोलन ट्यूब बनती है, और वो पोलन ट्यूब क्या करती है, वो मेल गेमेट को ट्रांसफ़र करती है, कहाँ तक, एम्ब्रियो सेक तक ट्रांसफ़र करती है. तो ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है. इसमें क्या होता है कि स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करता है किसी कंपेटिबल
पोलन ग्रेन को, और वो कंपेटिबल पोलन ग्रेन जो है वो इनिशिएट करता है पोस्ट पोलिनेशन इवेंट से फर्टिलाइजेशन तक के इवेंट को, और पोलन ग्रेन के अंदर जर्म पोर से पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन ट्यूब क्या करती है मेल गेमिट को ट्रांसफर करती है एम्ब्रियो सेक तक, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो व्हाट इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? इट इज क्रॉसिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीसीज, क्रॉसिंग बिटवीन द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट वेराइटी की स्पीसीज के बीच में क्रॉसिंग करवाना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, या हाइब्रिड इंडिविजुअल विथ डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। पेरेंट प्लांट का जो डिजायरेबल कैरेक्टर वाला जो हाइब्रिड इंडिविजुअल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड प्लांट या हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, और इस मेथड को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट वेराइटीज के बीच में क्रॉसिंग करवाना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है, और उसमें हाइब्रिड इंडिविजुअल बनता है जो कि डिजायरेबल कैरेक्टर उसके अंदर होते हैं, उसके पेरेंटल प्लांट के डिजायरेबल कैरेक्टर यानी कि जो सिलेक्टेड कैरेक्टर जो होते हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं, ऐसे इंडिविजुअल को हाइब्रिड इंडिविजुअल कहा जाता है। डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स फॉर पोलिनेशन, स्टिग्मा प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन। जब किसी डिजायर्ड कैरेक्टर वाले पोलन ग्रेन के थ्रू पोलिनेशन करवाना हो तो स्टिग्मा को कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करना होगा, मीन्स अनवांटेड पोलन ग्रेन से बचाना होगा, उनके कंटामिनेशन से बचाना होगा। तो इसके लिए कुछ मेथड्स यहाँ पर दी हुई है। फर्स्ट इज एमेस्कुलेशन। व्हाट इज एमेस्कुलेशन? मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को रिमूव कर दिया जाए तो अनवांटेड पोलन ग्रेन जो है वो वहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर नहीं होंगे, और वो अनवांटेड पोलन ग्रेन से बच जाएगा या प्रोटेक्ट हो जाएगा। सेकेंड मेथड इज बैगिंग। सो व्हाट इज द बैगिंग? फ्लावर कवर्ड, फ्लावर को कवर कर दिया जाए किसी बैग के थ्रू, फ्लावर कवर्ड बैग मेड अप ऑफ बेटर प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पोलन। ये बैगिंग जो है, बैगिंग का मतलब होता है फ्लावर को कवर कर दिया जाए या फिर स्टिग्मा को प्रिवेंट कर दिया जाए अदर जो अनवांटेड पोलन ग्रेन जो होते हैं उसके कंटामिनेशन से, यही बैगिंग होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इमेस्कुलेशन और बैगिंग जो मेथड है वो अनवांटेड पोलिनेशन से बचाती है फ्लावर्स को। डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।